आप लोगों से हमें वीजा लेना पड़ेगा, फिर हमें दिल्ली में प्रवेश करना पड़ेगा। आप किसी भी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई ऐसे लोग नहीं जा रहे जो हंगामा करें। हमने हंगामा नहीं करने जा रहे हैं। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि हम हंगामा करने जा रहे हैं? हम तो अपनी प्यार से बात कर रहे हैं। हंगामा करने जाएंगे? आप पहले ये बताओ हमें किस आधार में रोक रहे हो, कौन से लिखित ऑर्डर है आपके पास कि आपको ये परमिशन है कि हमारी गाड़ियों को रोका जाए? गाड़ी तो आपका कोई है ही नहीं। नहीं, गाड़ी हमारी ये खड़ी है, हमारे लोगों को रोका जा रहा है। कांग्रेस दिल्ली में अग्निपथ और ईडी द्वारा राहुल की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर से एक खबर सामने आई है, जिसके बाद हरियाणा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल हरियाणा से दिल्ली जा रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ पर्टिकुलर लोगों को आप टारगेट दिवांशु यूथ कांग्रेस दिवांशु जी, क्या नाम है आपका? देखिए जी, आज हरियाणा यूथ कांग्रेस की टीम, मैं और मेरे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष हरियाणा यूथ कांग्रेस के सचिन कुंडू जी, आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस द्वारा हमें यहाँ बॉर्डर पे रोका गया है और हमें आगे जाने की जो है इनके द्वारा इजाजत नहीं दी जा रही। ये लोकतंत्र के अंदर बड़े खतरे की बात है। एक तरफ तो दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, सभी युवा साथी आज जो माहौल देश के अंदर है, चाहे वो राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा बार बार हरास किया जा रहा है, उसके लिए हमारा आज बड़ा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था। केंद्र की सरकार ये नहीं चाहती कि लोग वहाँ पहुँचे और इसका विरोध करें, और इसके अलावा जो आज अग्निपथ को लेकर जो युवाओं में रोष है उसको लेकर भी हमारा प्रदर्शन है, परंतु आज सरकार द्वारा यहाँ बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस का प्रयोग करके हमें यहाँ रोका गया है, बड़ी शर्मनाक बात है और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व यूथ प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में अपने कार्यालय जा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ कुंडली सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बता दें कि दिल्ली में धारा 144 लागू होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर लंबा जाम लग गया और पुलिस को काफी मशक्कत के साथ स्थिति पर काबू पाना पड़ा। कुंडली सिंधु बॉर्डर से राम सिंह मार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।